नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो फार्मा स्टार्टअप में बहुत जरूरी है आपको बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लॉन्च करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, ये बहुत जरूरी स्टेप है और हर एक को ये समझना चाहिए कि इसमें इफेक्टिव मार्केटिंग काफी जरूरी है और मार्केटिंग के कितने कितने टूल्स है या क्या क्या आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो हमारा डिजिटल कोर्स ऑन फार्मा स्टार्टअप जो है, जहाँ पे आपको पूरी गाइड मिलती है फार्मा स्टार्टअप कैसे शुरू करें, बिल्डअप करें, ग्रो करें, इसी का पांचवा सब पार्ट है। तो जैसे इससे पहले पार्ट्स में हमने बात किया है कि क्या फार्मा स्टार्टअप होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, फिर मॉलिक्यूल सिलेक्शन कौन सा रहेगा, फिर अपनी मार्केटिंग टीम को रिक्रूट कैसे करें, ये जहां तक हमने डिटेल में बात की। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में अच्छी तरीके से प्रमोट करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स आपको देने वाला हूँ। हालांकि इस कोर्स का ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए डेफिनेटली आप हमारा स्टार्टअप कोर्स है जो डिजिटल कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, वो परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इफेक्टिव मार्केटिंग के बारे में। देखिए, मार्केटिंग तो आप कर ही लेंगे, लेकिन इफेक्टिव मार्केटिंग बहुत जरूरी। इफेक्टिव मार्केटिंग मतलब आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से जाएंगे, फ्रॉम डे वन आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को बिल्डअप करोगे, ग्रो करोगे। अगर आप बिना किसी स्ट्रेटेजी के डायरेक्टली डॉक्टर कॉल पे लग जाते हैं तो हाँ, डेफिनेटली कन्वर्जन होगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट प्रमोशन है वो इफेक्टिव रहेगा और आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। लेकिन इफेक्टिव मार्केटिंग क्यों करना है, इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है मार्केट रिसर्च। आपके प्रोडक्ट हर जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है, चाहे वो केमिस्ट के यहाँ पे हो, चाहे रिटेल डॉक्टर के यहाँ पे हो। क्योंकि क्या होता है, आप जब प्रोडक्ट को लिमिटेड कस्टमर तक ही पहुंचाते हैं तो आपको उसका जो प्रोडक्ट है उसका स्कोप एग्जैक्टली पता नहीं चलता। इसके लिए वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको फीडबैक भी मिलता है। जैसे कि कोई डॉक्टर आपको बोलेगा कि अरे ये पैकिंग आपने इतना अच्छा नहीं किया, या फिर आप जो USP बता रहे हैं वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में है, या फिर रिटेलर के पास जाएंगे, रिटेलर बोलेगा जी आपने जो प्रोडक्ट की स्कीम बता रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में है, या फिर इससे भी अच्छी स्कीम चल रही है। तो ये जो नॉलेज है, निगेटिव हो या पॉजिटिव पॉइंट हो, ये आपको पता चलता है मार्केटिंग से। प्रॉपर मार्केटिंग, आप हर जगह पे पहुंचेंगे तब ये चीजें पता चल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है जो बहुत जरूरी है मार्केटिंग के लिए, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना, तो यही मार्केटिंग का एम होता है, टू जनरेट अ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्राइबर बेस बढ़ाने के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग जरूरी है। एंड द लास्ट वन, अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हैं, हर डॉक्टर्स तक पहुंचते हैं आपके एरिया के प्रॉपर तरीके से, मतलब डॉक्टर लिस्ट आपके MR को दी, उसको प्रॉपर ट्रेन किया और उसी के अकॉर्डिंगली आपने उनकी कैटेगरीज बनाई, कोर नॉन कोर, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इफेक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं, तब आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी का मतलब लॉस होने के चांसेस काफी कम होते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लास्ट 6 महीने अगर आपकी एक्सपायरी होती है, कि अब मान लीजिए आज से 6 महीने तक ही इसकी एक्सपायरी है, तो प्रोडक्ट जाना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं तो एक्सपायरी के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये है इफेक्टिव मार्केटिंग के फायदे, ये आपको करना है। इसके बाद दूसरा है मार्केटिंग टूल्स। अब मार्केटिंग टूल्स क्या होते हैं? मार्केटिंग आप करेंगे डॉक्टर्स के सामने, लेकिन वर्बली बोलेंगे क्या? नहीं, इसके लिए प्रॉपर टूल्स होते हैं। और इससे सबसे पहला टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विजुअल एड। आप अपने MR को अपनी कंपनी का विजुअल एड बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करके देना चाहिए आपको। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप जो शुरू करते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही अपने विजुअल एड बनवा के लेके आते हैं, लेकिन एक ही फॉर्मेट होता है उनका। तो इसके लिए आपकी कंपनी की प्रॉपर थीम होनी चाहिए, प्रॉपर थीम, प्रॉपर मैसेजेस, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपके प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये लाइफ टाइम रहने वाली चीज है, इसके लिए आप इस पे काम करनी चाहिए। अब देखिए, जो विजुअल एड होता है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो प्रकार के होते हैं, तो आप कौन सा भी आपके आपके अकॉर्डिंगली आप बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें दो पेज के विजुअल एड बना लीजिए, एक पेज का विजुअल एड इफेक्टिव नहीं रहता। एक पेज, दो पेज का बनाते तो दो पेज में पहला पेज इमेज का रहेगा, इसमें आपको पहले टैगलाइन बनानी है। टैगलाइन मतलब क्या होती है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक कर रहा है, जैसे मलेरिया को ठीक कर रहा है, तो उसके टैगलाइन होगा डोंट
टेक चांस विद फीवर, अ फीवर कैन बी अ मलेरिया। आप डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा उनके पेशेंट को मैसेज दे रहे हैं कि फीवर मलेरिया भी हो सकता है, सो प्लीज प्रिस्क्राइब जो भी आपका ब्रांड है, ठीक है। जैसे मार्केट में ब्रांड है लुमेरेक्स, तो लुमेरेक्स प्लीज प्रिस्क्राइब लुमेरेक्स, उसमें लुमेफेंट्राइन आर्टेमिथर आता है, ओके। तो उसके बाद पूरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन रहेगी और उसके बाद पंचलाइन रहेगी, अ रिलायबल ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं, लेकिन जब आप विजुअल एड में पूरा एडवर्टाइजिंग करते हैं, पहले तो आपको उसकी इमेज, रिलेटेबल इमेज होनी चाहिए, फिर पंचलाइन होनी चाहिए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, एंड इसके बाद एक तो प्रोडक्ट का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल का कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल एसिक्लोपैरा, एसिक्लोपैरा सेरेशे, ये दोनों का कंपैरिजन, या फिर डाइक्लोफेनाक एसिक्लोफेनाक का कंपैरिजन, जो भी आपके प्रोडक्ट है उसकी कॉम्पिटिटिव जो भी है, जो अदर मॉलिक्यूल है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट का इफेक्टिवनेस बता सकते हैं। अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट की क्लिनिकल स्टडी भी बता सकते हैं कि कितना इफेक्टिवनेस आपका प्रोडक्ट है, बायो अवेलेबिलिटी मतलब बायोलॉजिकल पैरामीटर्स बता सकते हैं, और डॉक्टर्स को बोल सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है आपके पेशेंट के लिए, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। तो ये है विजुअल एड। विजुअल एड के साथ एक टूल होता है, वो होता है LBL, व्यू बिहाइंड लिपलेट। अब देखिए विजुअल एड जो बनता है ना, वो ऑफिशियल और प्रमोशनल, मतलब बहुत ही ऑफिशियल लेवल पे बनता है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा एडवर्टाइजिंग करने वाली चीजें नहीं होती, प्रॉपरली आपको बनाना होता है। लेकिन अगर आप विजुअल एड बनाते आप अगर LBL बनाते हैं, तो LBL आपको अट्रैक्टिव बनाना होता है। LBL एक तो एक सिंगल पेज का रहेगा या फिर दो पेज का, लेकिन फोल्डेड रहेगा तभी भी चलेगा। थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो डॉक्टर के केबिन में वो रहेगा, आपके अब्सेंस में आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करेगा, ठीक है। तो ये भी डिपेंड है आपके प्रोडक्ट पे, आपके कंटेंट क्या है। तो मैंने एक्चुअली हमारे जो डिजिटल कोर्स है इसमें पूरे डिटेल बताया है, कि इवन मैंने प्रैक्टिकल भी बताया कि विजुअल एड एक प्रैक्टिकली दिखाया भी है, LBL दिखाया, प्रमोशनल टूल्स कैसे होते, कैसे डिजाइन किए जाते, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी। अब इसके बाद प्रमोशन टूल्स तो है, इसके साथ और भी क्या क्या आप कर सकते हैं। पहले तो आप डॉक्टर्स को इथिकल वे से कन्वर्ट कर सकते हैं, रेगुलर कॉल करके। अदरवाइज दूसरा होता है इनपुट्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्टर्स को, जो उनको रेगुलर मतलब डेली यूज में लग सकते हैं। एक तो क्लिनिकल यूज भी हो सकता है, पर्सनल यूज भी हो सकता है। अब इसमें कई सारे प्रकार के इनपुट्स हैं, जैसे आप डॉक्टर्स को थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, या फिर रिलेटेड डायग्नोस्टिक्स भी दे सकते हैं, या फिर और भी कई सारी चीजें, ठीक है। मैंने हमारे कोर्स में पूरे कैटेगरी वाइज इनपुट्स कौन कौन से चाहिए ये बताया। इसके साथ दूसरी भी एक्टिविटीज होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, इसके बारे में भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज भी आप एज पर रिक्वायरमेंट आपको करनी चाहिए। इसके बाद है लास्ट चैनल पार्टनर्स, मतलब केमिस्ट एंड होलसेलर। आप यहाँ पे भी आप प्रमोशन कर सकते हैं, केमिस्ट के यहाँ पे भी क्या प्रमोशन करना चाहिए, होलसेल के यहाँ क्या करना चाहिए, ये मैंने कोर्स में बताया। लेकिन अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आप अपने प्रोडक्ट की फ्री सैम्पलिंग कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट OTC न्यूट्रिशनल लेवल पे है तो, और एक पैम्पलेट आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं और एक स्टैम्प लगा सकते हैं कि इस मेडिकल स्टोर में ये अवेलेबल है। एडवर्टाइजिंग मेडिकल स्टोर की भी होगी और आपकी प्रोडक्ट की भी होगी। तो इस प्रकार आप अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर प्रमोशन, मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना के देते हैं, आप सेल करते हैं, ये आज के समय में उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आपको उस प्रोडक्ट का स्टडी, आपके कॉम्पिटिटर का स्टडी, मार्केट का सर्वे करना और डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर करके आपकी टीम को बिल्डअप करना भी जरूरी है। तो अगर आप अपना खुद का फार्मा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारा डिजिटल कोर्स परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी है और यहाँ पे मैंने पूरे एक्सप्लेन किया, ठीक है। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में रिकॉर्डेड वीडियोस है, प्रॉपर तरीके से मैंने गाइडेंस किया है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक, कलीग तक शेयर करें जो फार्मा स्टार्टअप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो PCD हो या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।